हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार डॉक्टर लाल पैथ का जो है चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है। और जिस तरीके से चार्ट के अंदर एक अच्छी खासी जो है गिरावट आई है, करीब करीब आप देख सकते हैं 50% जो स्टॉक लगभग लगभग जो है टूट चुका है। अब इसको ऊपर जाने में समय तो लगेगा। यूँ तो नहीं है कि जो है ये चार्ट पैटर्न आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो एक अच्छी खासा जो है जो ब्रेक जो आया है वो इस समय पे ये तो इंडिकेट कर रहा है करीब करीब कि यहाँ से अब जाने में इसमें ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद ही जो है ये आपको जो है बिल्कुल अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है ये पहुँच जाएगा। यहाँ पर अब इसमें एक अच्छा खासा समय लगेगा। और मोटा मोटी अगर मेरे को जैसा लग रहा है करीब करीब इसमें 1.5 साल का तो जो है बिल्कुल इसमें समय लग सकता है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने में, जिस तरीके से जो है इस समय पे जो है ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है। अब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पहले इसका देख लो, 2016 से लेके और 2019 के लास्ट तक जब तक कोविड नहीं था तब तक अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक अपसाइड, एक अप ट्रेंड सही जो है बना हुआ था। हालांकि यहाँ पे एक देखेंगे तो आप कंसोलिडेशन फेज़ इसके अंदर बहुत एक अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन एक अप ट्रेंड के अंदर ही जो है ये स्टॉक बना हुआ था। जो मैं आपके सामने रख देता हूँ 2020 से पहले का चार्ट, तो आप देख सकते हैं इतना चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक जो है चलना स्टार्ट किया अपसाइड में, थोड़ा डाउन साइड आया, फिर दोबारा से देखेंगे तो इसने जो है अपना अप ट्रेंड पकड़ लिया। मतलब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स को अगर आप देखेंगे, प्रॉब्लम आई बीच में, प्रॉब्लम आने के बाद में फिर दोबारा से जो है वो अप ट्रेंड में आ गया। ऐसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से जो है स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया अप ट्रेंड में, प्रॉब्लम आई है, नीचे गया है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लेगा और फिर दोबारा से जो है ये अप ट्रेंड में जो है जाता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। अब यहाँ पे मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो है डाउनफॉल दिखाया है और इसके पीछे जो रीजन जो रहा है वो आप लोगों को जो है पता ही होगा शायद, कि जिस तरीके से टाटा ने जो है अपना ये हाथ जो अपना अपना जो है इसमें एक आजमाने की कोशिश जो कर रहे हैं ये डायग्नोस्टिक चेन के अंदर, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये कंपनी जो है थोड़ा जो है ज़्यादा प्राइस जो है उस पर लिए चार्ज कर रही थी, लेकिन टाटा ने जो है स्टार्ट किया है थोड़े बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा, प्राइसिंग पे प्रेशर देखने को मिलेगा, कस्टमर रिटेंशन पे भी जो है प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में दो दो क्वार्टर्स के अंदर या चार क्वार्टर्स के अंदर जो है वो सामने दिखेंगी कि कितनी जो है प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए खड़ी हो रही है। उस तरीके से जो है स्टॉक जो है परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। हालांकि एक्सट्रीमली फॉल जो है इस स्टॉक के अंदर आ चुका है, यहाँ से फॉल की गुंजाइश बहुत ही कम है, और अगर यहाँ से अगर फॉल और ज़्यादा कुछ अगर आता है तो फिर ये स्टॉक जो है फिर यूँ समझ लो करीब 4-5 साल के लिए फिर ये चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज़ और रख दूँ, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप देख सकते हैं, मैं एक साल की जो है फिबोनाची आपको लगा के दिखा रहा हूँ। 2021 का जो लो था इसका वो है करीब 2200 रुपये का, और इसका जो हाई जो रहा है वो रहा है करीब 4300 रुपये के आसपास। 0% की रेजिस्टेंस के आसपास जो स्टॉक इस समय पे अब चल रहा है, और इसके ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा, मतलब 2200 रुपये के आसपास या 2300 रुपये के आसपास अगर ये जितनी जल्दी जो है ट्रेड करने लगेगा उतना ही अच्छा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़, तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक रेजिस्टेंस काम करेगा जहाँ से ये स्टॉक जो है दोबारा से गिरने की कोशिश कर सकता है वो है करीब 3000 रुपये के आसपास अगर ये निकलता है तो यहाँ से, मतलब इस वाले एरिया में जो है ये अच्छा खासा समय एक अपना स्पेंड कर सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो 50% की रेजिस्टेंस इस पर प्रेशर डालेगी, और इसके ऊपर निकलेगा तो 38.2% की रेजिस्टेंस इस पर जो है प्रेशर डालेगी। मतलब ये चार चक्रव्यूह जो है इसको तोड़ने पड़ेंगे, ये चार रेजिस्टेंस इसको जो है ब्रेक करनी पड़ेंगी। इनके ऊपर जब जब ये जो है सपोर्ट लेगा, लेने की कोशिश करेगा, तब तब इसके अंदर जो है प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग काफ़ी अच्छे खासे जो है फंस चुके हैं भारी मात्रा में, जिन्होंने जो है इसको एक एवरेज किया है या फ्रेश बाइंग जिन्होंने कर रखी है इसके अंदर। तो यहाँ पे प्रेशर तो है स्टॉक में, एक अच्छा खासा प्रेशर बेसिकली देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम में है स्टॉक। जल्दीबाजी तो करें नहीं बिल्कुल भी कि इसमें फ्रेश बाइंग कर लें, और यहाँ से तो जो है ये रफ्तार पकड़ लेगा, समय दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वार्टर के लगभग लगभग तो समय दें, मतलब लगभग लगभग आने वाले 2-3 महीने का तो इसको बिल्कुल जो है टाइम देना चाहिए कि ये 0% के रेजिस्टेंस के नीचे जो है परफॉर्म करने वाला है। इस वाले एक तो मंथ के अंदर पता लगेगा, या ये इसके ऊपर जो है सपोर्ट लेके जो है काम करने वाला है। अगर ये इसके ऊपर सपोर्ट लेके काम करेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा,
इसके नीचे काम करेगा तो बहुत जो है प्रॉब्लम इस स्टॉक के अंदर रहने वाली है। मैं आपके सामने एक चीज़ और रख देता हूँ कि आप अगर इसको और थोड़ा फिबोनाची को अगर थोड़ा और अगर लॉन्ग की अगर लगाते हैं 2019 से अगर आप इसको लगाते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2019 से हम इसका जो है फिबोनाची लगा के चलते हैं तो 19 और 20 और 21 तीन साल का फिबोनाची जो है ये बता रहा है कि स्टॉक जो है अपने बेयरिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने बुलिश ट्रेंड को छोड़ के और अपने ट्रेंड को जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज होता है तो मैंने आपके सामने तीन साल की फिबोनाची रखी है, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज होता है तो फिर ये थोड़ा एक लंबा खिंच सकता है लंबा, और ये कहीं ना कहीं यही जो है इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है 2300-2400 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक जल्दी से जल्दी जो है सस्टेन करे और वहाँ पे जो है ये काम करना स्टार्ट करे। 2000 रुपये के नीचे, अगर 2100 रुपये के नीचे भी, खासकर 2100 रुपये के नीचे जब तक ये स्टॉक जो है ट्रेड करेगा, जब तक इसके अंदर जो है ये प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि ये स्टॉक जो है और नीचे की तरफ जो है खिसक सकता है, ड्रैग हो सकता है। अब कितना ड्रैग होगा ये पता नहीं, या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहीं की यहीं जो है ये यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। तो मतलब ऑलरेडी एक्सट्रीम जो है इसके अंदर फॉल मार्केट ने दिखा दिया है, शो कर दिया है कि इतनी गुंजाइश इसके अंदर जो है ब्रेक होने की हो सकती है अगर इनके काम धंधे में अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो यहाँ पे इस चीज़ को तो आप बिल्कुल जो है देख के चले। और इसमें अब आपको जो है स्मार्ट मूव बस यही लेना है कि जब जब ये स्टॉक थोड़ा सा जो है एक अपसाइड दिखाने की कोशिश करे तब कहीं इसमें जो है फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करें, और पहले इसको सपोर्ट लेने दो, सपोर्ट इसका पहले जो है अब यहाँ पे बनने दो, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है ये मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इससे जो है दूरी बनाई जा सकती है अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं। नज़र में बिल्कुल रखें लेकिन थोड़ा सा अभी इससे में आप अलर्ट रहें क्योंकि एक अच्छा खासा प्रेशर ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है, समय लेगा निकलने में तो समय इसको लेने दो। उसके बाद में जो है फिर थोड़ा सा माहौल जब जैसे जैसे जो है इसका सुधरे उस समय पे जो है इसमें पैसा लगाने की सोचें। अगर आप अभी इसमें जो है अगर पैसा लगाने की सोचते हैं तो हल्की पुल्की क्वांटिटी आप इसके अंदर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी अगर इसके अंदर अगर आप लेंगे और ये यहाँ से भी अगर ड्रैग होता है तो फिर जो है आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए। तो उस तरीके से जो है आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।